गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने इसका पार्ट बी ख़त्म कर दिया, यानी कि हमारे 12 क्वेश्चंस 1 से लेकर 24 तक के फिनिश हो गए हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 25 से 36 यानी कि टोटल एक्सरसाइज आज फिनिश कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, हाउ आर 0.5 मोल्स Na2CO3 एंड 0.50 या 0.5 एक ही बात हुई मोलर Na2CO3 डिफरेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये देखिए, ये कह रहा है कि आपका सोडियम कार्बोनेट कितना है, हाफ मोल, आधा मोल है, 0.5 मोल है। वो ये नहीं बता रहा है कि वो जो सोडियम कार्बोनेट आपके पास आधा मोल है वो कहाँ पे है, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, किसी कंटेनर में है, किसी बॉक्स में है, किसी पैकेट में है, कहाँ है हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये देखिए जो कह रहा है कि 0.50 या 0.5 मोलर, मोलर का मतलब क्या हुआ, हाँ मोलैरिटी, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इतना मोल, 0.5 मोल, इसी के बराबर मोल सोडियम कार्बोनेट कहाँ है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है, इसीलिए इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5। ध्यान से समझिए मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स होते हैं वही उसकी मोलैरिटी होती है, यानी कि अगर आपको मोलैरिटी दिया है तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता सकते हैं एक लीटर में, हाँ बिल्कुल सेम आती है ना। तो देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की मोलैरिटी दी गई है 0.5, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर एक लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल क्या होगा, सॉल्यूट, यहाँ पे क्या है वो सोडियम कार्बोनेट इतने होंगे, बात क्लियर है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ से भी आपको देख के यही पता चल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट कितना है, 0.5 मोल, यहाँ से भी देख के यही पता चल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की अमाउंट कितनी है, 0.5 मोल। डिफरेंस ये है कि ये सोडियम कार्बोनेट कहीं भी रखा हुआ मिल सकता है, पैकेट में, सॉल्यूशन में, कहीं भी हो, या हो सकता है वो 10 लीटर में हो या 100 ml में हो, कहीं पे हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बारे में आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, बस आप ये कह सकते हैं कि जिस सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है वो कितना है, 0.5 मोल, वो कहाँ है इस बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जबकि अगर आपको मोलैरिटी लिख दिया गया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर भी आधा मोल सोडियम कार्बोनेट ही है, लेकिन वो कहाँ है, एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, सही है, इसलिए यहाँ पर मोलैरिटी। अगर इसी के साथ साथ आपको 0.5 मोलल भी दे दिया होता तो क्या कहते हैं, हाँ मोलल कैसे डिपेंड करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो आप कहते सर यहाँ से हम ये देख के कह सकते हैं कि आधा मोल सोडियम कार्बोनेट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कहीं ना कहीं मिक्स है। अब वो कौन सी सॉल्वेंट है, कैसे मिक्स है, कहाँ रखी गई, वो अलग बातें हैं, कर सकते हैं ना। चलिए, तो इनके बीच बस यही छोटा सा डिफरेंस है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस। हाँ, हमने पढ़ा था ना गे लुसेक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, गैसियस कंबाइनिंग लॉ, हाँ वहाँ पे हमने ये चीज़ सीखा था। देखिए रिएक्शन लिख लेते हैं पहले सिंपल सा, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गैस एंड प्रोवाइड्स अस वाटर इन फॉर्म ऑफ गैसेस स्टेट, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, हम इसको बैलेंस करते हैं, देखिए बैलेंस नहीं है ना, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ तक सही है। अब यहाँ की स्टोइकोमेट्री देख के बताइए, स्टोइकोमेट्री से क्या पता चलेगा आपको, 2 मोल्स H2 जब 1 मोल O2 से कंबाइन होता है
तो हमें क्या मिलता है, 2 मोल वाटर वेपर मिलता है। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है अगर अगर आपके पास 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, कितना 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन गैस है, तो आप इसको क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाई 5। पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, 10 मोल्स H2 बताइए, ये कितना हो जाएगा 5 मोल O2 और ये क्या हो जाएगा अगेन 10 मोल H2O। तो देखिए जब हम 10 मोल डाइहाइड्रोजन को 5 मोल डाइऑक्सीजन से कंबाइन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, 10 मोल H2O मिलेगा, यही हमारा आंसर है। सिंपल था, कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब आपको इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट में, ये देखिए क्या है, पिकोमीटर। पिकोमीटर बड़ा होता है मीटर से या छोटा, हाँ क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए क्या करना होगा आपको, इस नंबर को मीटर में बनाना है। जब भी हम छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाते हैं हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। जब अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितने डिवाइड करना होगा, 10^12 से, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 28.7 × 10^-12 मीटर। आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन लिखने के लिए यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2.87 × जब भी हमारा डेसिमल लेफ्ट साइड की ओर जाता है पावर इंक्रीज होता है, -12 इंक्रीज होकर क्या बन जाएगा, -11 यूनिट लगा देंगे मीटर। देखिए यही आंसर आ रही है। अब दूसरा, जब हम आपको प्रीफिक्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने पिकोमीटर का आपको रिलेशन बताया था, हाँ कितना, 10^-12 का। तो बस अगर आपको वो याद है तो आपको ये जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नंबर को कॉपी करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाई रिलेशन, रिलेशन कितने का था 10^-12 का, आपने उसको कॉपी कर लिया, बस इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, 15.15 पिकोमीटर। फिर से अब आपको रिलेशन तो अभी तुरंत हमने बताया कितना का होता है 10^-12 का, तो इसी नंबर में 10^-12 को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में नहीं है तो हम इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये पावर इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा -11, कर सकते हैं। चलिए अगर कर सकते हैं तो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए दिया हमारे पास मिलीग्राम, हमें इसको क्या बनाना है, ग्राम में। अब आप हमें ये बताइए मिलीग्राम का रिलेशन कितने का था, हाँ 10^-3 का, लेकिन वो रिलेशन किसके लिए था, हाँ वो रिलेशन था ग्राम का ना, तो ठीक है इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे चाहें तो ऐसे लिख लीजिए 25। एक तो ये इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे हम, पहले अगर आपको रिलेशन याद है प्रीफिक्स वाला तो उसको डायरेक्ट करना भी सीखे, (10^- अब क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं भी, ठीक है तो इसको क्या करिए आप डेसिमल बना लीजिए, तो यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, सो दिस विल बी 2.12345535 कितने स्टेप्स हो गए ये 4, -3 + 4 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा +1 यानी कि 10 आ जाएगा। ये अभी किस में है आपका, ग्राम में, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, हाँ क्या होती है, किलोग्राम। तो आपको इसको फिर से क्या करना होगा, ग्राम को किलोग्राम बनाना है, डिवाइडेड बाई 1000, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10^2। अगर हम इस 10^2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 10^-2, यानी कि हमें क्या मिल गया 2.5365 × 10^-2 किलोग्राम। देखिए यहाँ पर ये वाला तरीका भी समझ लीजिए, अगर आपको मिलीग्राम को किलोग्राम बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी 1 किलोग्राम में 10^6 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो बताइए अगर हमें मिलीग्राम को किलोग्राम बनाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो हमने 10^6 से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया हमें, इस वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, +6 क्या बन जाता है, -6,
अब हमें ये नंबर मिला, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इस केस में हमारा डेसिमल कहाँ रहा होगा, एकदम लास्ट में एक्सट्रीम राइट साइड में, तो यहाँ से उठा के हम अपना डेसिमल कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ तक, ये हो जाएगा 2.5365। अब देखना होगा कि कितने स्टेप से मूव किया, 1, 2, 3, 4, यानी कि प्लस 4 करना होगा, तो माइनस 6 में जब आप प्लस 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस 2, क्योंकि दोनों का सिंबल डिफरेंट है तो माइनस कर देंगे, कितना आ गया 2। फिर आप देख लेंगे दोनों का सिंबल बड़ा किसका है, 6 का, यानी कि नेगेटिव है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। एक तो हम आपको कॉन्सेप्ट से सिखा देंगे, दूसरा आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कभी कभार हमें क्वेश्चन फास्ट कैसे करने होते हैं। हर क्वेश्चन फास्ट करना हम नहीं बताते, लेकिन हाँ जहाँ कर सकते हैं वो बता सकते हैं। अब देखिए मेरे पास 1 ग्राम क्या है, आप ऐसे इसको छोड़िए, आप बस ऐसे बताइए, अगर आपके पास 1 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम साइज के बॉक्स हैं, ये बॉक्स हमारा बना हुआ है आयरन का और ये बॉक्स बना है मेरा पेपर का, ठीक है, अब साइज देख के बताइए दोनों की साइज सेम है डिफरेंट है, हाँ दोनों की साइज सेम है, तो बताइए कौन हल्का होगा कौन भारी होगा, डेफिनेटली ये हल्का होगा, होगा ना। अब हमें ये बताइए अगर इसी में से इन बॉक्स को हम यहां फिर से बना ले, ये सेम साइज के बॉक्स है, ठीक है, इसका मास हमने 1 ग्राम कहा और इसका भी मास हमने कहा 1 ग्राम है, इसमें आपको बॉल्स रखनी है, किसकी, आयरन की, और इसमें आपको रखनी है बॉल्स, किसकी, पेपर की, सेम साइज की बॉल्स है। आप हमें ये बताइए कि दोनों के 1-1 ग्राम करने के लिए किसमें नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा रखे जा सकते हैं, इसमें या इसमें, हाँ इसमें नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा होंगे, क्यों होंगे ज़्यादा, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं ये हल्के हैं इस बॉल्स के कंपैरिजन में, यानी कि जब भी कोई चीज़ हल्की होगी उसका नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है, आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम सोडियम है, 1 ग्राम लिथियम है और 1 ग्राम क्लोरीन गैस है। आपको देखना है, आपसे ये पूछा गया कि बताइए किस में, सबका अगर 1-1 ग्राम लिया गया है तो किस में आपको ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, बहुत सिंपल सा है, जो हल्का होगा उसी का नंबर ज़्यादा होगा। अब हल्का कौन होगा कैसे पता चलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस देख के, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, आपको सबका एटॉमिक मास पता है, हाँ उसकी हेल्प से गोल्ड सोडियम लिथियम और क्लोरीन गैस सबका हम क्या करेंगे, हाँ हम वो लिख लेंगे एटॉमिक मास। तो देखिए गोल्ड का कितना होता है 197, सोडियम का तो आपको बताइए 23, लिथियम का 7 और क्लोरीन, अच्छा ये क्लोराइड है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 71। आप देख के बताइए कौन हल्का है, दिख रहा है ना लिथियम हल्का है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, लिथियम, आप ऐसे देख के बता सकते हैं। खैर आपको एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए, आप वो देख लीजिए। अब हम मोलर मास लिखेंगे सबका, किसका, सबका मोलर मास लिखेंगे, तो देखिए 197 ग्राम गोल्ड ये इसका मोलर मास है, मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास, 1 मोल एटम्स का मास, यानी कि 197 ग्राम गोल्ड में 1 मोल क्या होगा, गोल्ड होगा, होगा कि नहीं, होगा ना, तो बताइए 1 ग्राम गोल्ड में कितने होंगे, 1/197 मोल, ये नंबर उधर लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप 1 ग्राम सोडियम की बात करें तो क्या होगा, 1/23, क्यों, क्योंकि 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर होता है, इसीलिए 1 ग्राम सोडियम 1/23 के इक्वल होगा। 1 ग्राम क्लोरीन गैस मोलिकुलर फॉर्म में किसके बराबर हो जाएगी, 1/71 के इक्वल,
ये ध्यान रहे, ये क्या है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये क्या आपका नंबर ऑफ एटम्स, इसीलिए यहाँ पे वन है और यहाँ पे ये क्या हो गया टू, क्योंकि क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, दो एटम हैं। तीसरा, तीसरा क्या था हमारा, चार ही है ना, वन टू थ्री फोर, ठीक है, क्योंकि ये चार हैं, चारों की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से, एक का आया 1/197, एक का 1/23, एक का 1/71, एक छूट गया है क्या अभी, ठीक है, एक लिथियम छूटा है, लिथियम को भी यहाँ लिख लेंगे, तो देखिए 1 ग्राम लिथियम का कितना हो जाएगा, 1/ लिथियम का मोलर मास 7 होता है, 7 मोल। अब हमें ये बताइए कौन से फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी, हाँ ये ज़्यादा बड़ी है, क्यों, जब आपका न्यूमरेटर फिक्स और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही हो तो उस केस में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो रही होती है, घट रही होती है, तो 1/7 इज द आंसर, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1 ग्राम लिथियम। तो अगर आप चाहें तो कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जो हल्का होगा उसका नंबर ज़्यादा होगा, तो आप देख लीजिए कौन हल्का है, आपने आंसर बता दिया फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक मिनट, क्या हो गया, चलिए आंसर का एक्सप्लेनेशन वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको डबल स्टार मार्क भी दे सकते हैं, हाँ ये सच में अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया आपको क्वेश्चन में, दे रखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब एग्जैक्ट आपको हमेशा माइंड होना चाहिए, फॉर्मूला वाले से कुछ भी लगाएं, एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सही है, हाँ 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स होंगे वही उसकी क्या होती है, मोलैरिटी होती है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं, हमें कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, यानी कि हमें मोलैरिटी ही कैलकुलेट करनी है ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, जिसमें कि हम इथेनॉल को क्या कर रहे हैं, वाटर में मिक्स कर रहे हैं, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसलिए हमने क्या लिख लिया, Ki2, जिसको हम X2 पढ़ते हैं, कितना आ गया 0.04। अच्छा एक चीज़ हमें पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर आप सॉल्वेंट निकालना चाहें तो ये इसको क्या करना होगा, उस साइड लेके आना होगा, यानी कि माइनस करना होगा, तो देखिए 1 माइनस X2 की वैल्यू आपको पता है 0.04, इसको याद रख दीजिए, फिर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.06, यानी ये आपको समझ में आ रहा, हम कहाँ से लिखे हैं, ये चीज़ कहाँ से लिखे है? समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको ध्यान रखना है, आपका कॉन्सेप्ट ही आपकी हेल्प करेगा, क्या कह रहा है, टू कैलकुलेट मोलैरिटी, क्योंकि आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में, सिर्फ 1 लीटर सॉल्यूशन में, सिर्फ 1 लीटर सॉल्यूशन में, सही है, यानी कि हम मान लेंगे लेट द अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि जो मिथेनॉल है हम उसको कहाँ मिला रहे हैं, वाटर में, तो वाटर ही हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो उसमें जो वाटर है
या फिर जो सोल्यूशन बन रही है वो जो सोल्यूशन है वो हमने कितना मान लिया, 1 लीटर। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 1 लीटर मान लें और बस हमें ये पता चल जाए कि मोल्स ऑफ मेथनॉल कितने आ रहे हैं तो वही उसकी मोलैरिटी होती है। वाटर के बारे में एक चीज़ और आपको बताई गई थी और आपको कहा गया था याद रखने के लिए, याद है कि भूल गए? डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। क्योंकि डेंसिटी 1 होती है इसीलिए वॉल्यूम और मास वाटर का दोनों इक्वल आता है। ध्यान रहे, सिर्फ वॉल्यूम और मास इक्वल आता, वो भी किस केस में? वाटर के केस में। आप चाहे तो चेक कर ले, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला यही होता है। क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है तो यहाँ 1 रख दीजिए, ये क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। यानी कि इन केस ऑफ वाटर जितना वॉल्यूम दिया है उतने ही आप मास ले सकते हैं। तो चलिए, हमने क्या कर लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 1 लीटर है। एक चीज और, अगर मेरे पास इतना बड़ा सा टब है, ठीक है, उसमें पूरा वाटर भरा पड़ा है, इस टब में से अगर मैं एक बूंद वाटर बाहर निकाल लूं तो क्या इस टब पे बहुत ज़्यादा बड़ा कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। एक्चुअली कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? कन्फर्म आएगा, लेकिन हम वो इफेक्ट इतना छोटा होगा कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब सोचिए, इस पूरे टब में जो वाटर से फील्ड है उसमें अगर मैं एक बूंद, सिर्फ 1 ड्रॉप कोई ऑयल ला के गिरा दें, उसके बाद हम क्या कहेंगे, इस टब में पानी है या ऑयल है? अगर सिर्फ हमें दोनों में से कोई एक ही कहना है तो हम क्या कहेंगे, ये जो टब में अंदर लिक्विड है वो अब ऑयल है या वाटर? हाँ, अभी भी वाटर ही कहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट में है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब ये चीज़ सोचिए, जब आपके पास 1 लीटर वाटर है और उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल मिलाया गया है, कितना, थोड़ा सा मिथेनॉल मिलाया गया है, तो आप क्या कहेंगे, इस टब में वाटर है या मिथेनॉल है? अगर दोनों में से सिर्फ एक ही, एक्चुअली तो इसमें दोनों ही हैं, क्योंकि वाटर में मिथेनॉल मिला दिया गया तब तो इस टब में दोनों ही हो गए। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि नहीं हमें सिर्फ ये बताइए कि इसमें या तो वाटर है या तो मिथेनॉल, तो आप क्या कहेंगे, तब तो वाटर ही कहना पड़ेगा क्योंकि वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। तो क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में मिथेनॉल और वाटर दोनों हैं, इसलिए हम मान के चलेंगे कि मेरा सॉल्यूशन क्या है, वाटर ही है। एक्चुअली वो वाटर नहीं है, उसमें वाटर मिथेनॉल दोनों ही हैं। क्यों हम वाटर को ही मान रहे हैं, क्योंकि वाटर की अमाउंट क्या है, ज़्यादा। चलिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमने माना है, 1 लीटर, क्योंकि मोलैरिटी के लिए 1 लीटर का निकालना जरूरी था, ठीक है। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन भी कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम आ जाएगा। क्लियर है? अभी हमने डिस्कस किया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा 1 होती है, यानी कि मास और वॉल्यूम वाटर के लिए दोनों इक्वल आती हैं। तो 1 लीटर का ही है या 1 किलोग्राम, बात एक ही है। अच्छा, 1 किलोग्राम को हम क्या बना सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। क्या करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए, आपको मास ऑफ वाटर पता है, मोलर मास ऑफ वाटर आप निकाल ही लेंगे, कितना आता है, 18 आता है। तो क्या करें, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, दैट इज 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर तो निकाल ही लेंगे, कितना आएगा, 18 ग्राम। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, 55.5555 करके। तो हम ले लिए 55.55, ये क्या हमारा मोल्स ऑफ, यस, दिस इज द मोल्स ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, हम ऊपर क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाई, नहीं, मोल फ्रैक्शन में तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो चलिए, अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पहले से ही पता है कितना है, 0.06। कैसे पता, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था ना, हमने यहाँ लिख दिया 0.06
0.06। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ मेथनॉल चाहिए, वो कितना है? ओके, वो हमें निकालना है। तो हम इसको मान लेंगे क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, यानी कि N2 अपॉन टोटल मोल्स क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी भी N2 है, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मोल्स ऑफ वाटर आपको पता है कितना, 55.55। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करके सॉल्व करके आप क्या करेंगे, N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। N2 क्या है, मोल्स ऑफ मिथेनॉल। देखिए ये चीज वही लिखी गई है क्या, ध्यान से समझिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको पता है 0.04, हमने कितना लिखा था, अच्छा ये हमने गलत लिख दिया है। आप देखिए यहाँ पर वैल्यू जो करे दी गई है, कहाँ गया, देखिए ये दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.04, तो आपने यहाँ लिख दिया 0.04। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है तो N2 लिखेंगे, फिर टोटल मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी आपको पता है कितना, इधर है 55.55। तो यहां भी वैल्यू रख देंगे और फिर वहां से N2 कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको वैल्यू ऐसे मिलेगी 0.04, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट वैसे रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.55 और मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी आपको कितनी, ये आएगी वैल्यू आपकी 2.31 मोल्स। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल्स हैं तो बताइए मोलैरिटी कितनी हो गई, सेम हो गई, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपने स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि आपका सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। तो देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 2.31 मोल्स सॉल्यूट है तो उसकी मोलैरिटी भी कितनी होगी, 2.31 होगी। तो इसकी मोलैरिटी भी हम क्या लिख देंगे, 2.31 मोलर या मोल्स पर लीटर। यही चीज यहां लिखा, सिंस मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिथेनॉल इन वाटर ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम इज 2.31, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में कितना है, 2.31, इसीलिए मोलैरिटी भी कितनी होगी, 2.31 मोलर ही हो जाएगी। क्लियर है, अगर ये 2 लीटर के लिए होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, फिर हम पहले निकालते कि 1 लीटर में कितना आएगा और वो उसकी मोलैरिटी होती है। इसीलिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी ना हो, हमने स्टार्टिंग में ही क्या माना था कि मेरा सॉल्यूशन यानी जो वाटर है वो कितना, हमने सिर्फ 1 लीटर ही माना था ताकि बार बार हमें कैलकुलेशन को करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। बहुत सिंपल है, बताइए कार्बन के 1 एटम का मास कितना होता है, हाँ 12U, 1 एटम का मास लिख रहे हैं ना, तो 12U। अब हमें ये बताइए अगर ये मास हमसे ग्राम में पूछा जाए तो हमें इस U को किस में बनाना होगा, ग्राम में, और आपको पता है U की वैल्यू, यूनिफाइड मास की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, −24 ग्राम। तो इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1U की वैल्यू से, कितनी थी 1.66 × 10⁻²⁴। अब ये वैल्यू किस में आ गई, ग्राम में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 6 = 72, 72 and 7 = 79, 7 = 19। ये वैल्यू की 19.92 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब हमें ये होती है क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है ना, इस डेसिमल को हमें क्या करना होगा, यहाँ शिफ्ट करना होगा, ये क्या बन जाएगा 1.992 × जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं पावर इंक्रीज होता है, कितना स्टेप गया, 1 स्टेप, तो -24 बड़ा होके क्या बन जाएगा,
हाँ बड़ा होके आदमी बन जाएगा। नहीं भाई, -24 बड़ा होके क्या बनेगा, -23 बनेगा, क्योंकि जब हम माइनस की वैल्यू को बड़ा करते हैं तो एक्चुअली उसके नंबर छोटे होते जाते हैं। तो -24 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है, -23। तो ये आ गया आपका आंसर, कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल सकती हैं, आंसर मैच कर लीजिए। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा है, आप लोगों को पढ़ाने के देखिए अब फायदे समझ में आ रहे होंगे। देखिए हमें बस ये बताना है, हमें इसका आंसर नहीं निकालना है। इस पूरे क्वेश्चन में बस ये कहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर निकालना हो तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, बस आपको यही बताना है, बस आपको ये बताना है। आपको इसका मल्टीप्लाई करके आंसर वगैरह नहीं निकालना है, आपको ये बताना है अगर आप इनका मल्टीप्लाई या इन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, यानी कि दो नंबर्स का जिसमें अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और डेसिमल हैं, तो हम ऐसे नंबर को चूज करते हैं, ऐसे डेसिमल पार्ट को चूज करते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो, जिसमें कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितना है, 1, 2, 3, सॉरी ये भी तो है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना है, 1, 2, और यहाँ डेसिमल के बाद कितना है, 1, 2, 3। अगर आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो किसमें कम होंगे, इसमें टोटल काउंट करिए तो 1, 2, 3, 4, इसमें टोटल काउंट करिए तो 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें टोटल काउंट करिए तो 1, 2, 3। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमने जो रूल सिखाया था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसमें हमने ये चीज़ बता रखी है कि जैसे ही हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो हम ये चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कि किसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम है। इसका 4, इसका 5 और इसका 3, कौन कम है, ये कम है। यानी कि यहाँ ऊपर तो आपको आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर, नीचे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। अब बताइए जब आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को 5 सिग्निफिकेंट फिगर से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, कम वाला, यानी कि 3। तो आपके ओवरऑल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3। ध्यान रहे ये वो नंबर नहीं है जो आंसर में आएगा इनको सॉल्व करके, आपसे वो पूछ ही नहीं रहा है कि आप इसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन तो क्लास 5 के बच्चों को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। आपको ये कहा गया है कि अगर हम इनको सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, दैट इज 3। अब अगर आप मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर आपको तो दिक्कत आएगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आप उसको देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 5 × 5.364। अब ये जो 5 है यहाँ से देखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, लेकिन इसके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5.00 लिख सकते हैं, 5.00000 ढेर सारा लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप 0 बढ़ाते जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जाएंगे। जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें एक नंबर डेसिमल वाला होता है, तो उस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके लेते हैं, डेसिमल वाले का। तो देखिए डेसिमल वाला नंबर कौन है, सेकेंड वाला, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4। पेंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, 4 ही रहेंगे, कर सकते हैं। चले चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एडिशन के। एडिशन में भी काउंट करते हैं, देखिए यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3। तो बताइए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सी वैल्यू लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हो, किसमें ज़्यादा हैं, सेकेंड वाले में, और वो कितना है, 4। तो हमारे आंसर में भी कितने आएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, क्लियर है। चलिए ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये परसेंटेज आइसोटोप दिया है आर्गन के, और उसका ये परसेंटेज अबंडेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि वो कितने परसेंट अवेलेबल हैं अमाउंट में, और ये उसकी क्या दिया है, मास। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है एवरेज मोलर मास का या एवरेज मॉलिकुलर मास का।
होता है ना, एम वन ए प्लस एम टू बी प्लस एम थ्री सी प्लस एम फोर डी ऐसे कदम बढ़ता जाता है अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो भी होगा, यहाँ पे कितने हैं, एक दो तीन है ना, तो तीन लेंगे, एम वन ए एम टू बी प्लस एम थ्री सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी अगर हमें परसेंटेज अबंडेंस की वैल्यू परसेंटेज में दी गई है तब तो हम इसको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम कितना आता है 100%, और 100% का मतलब 1, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। एक बात दूसरी, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया होता या मोल रेशियो दिया होता तो उस केस में आप ए प्लस बी प्लस सी को हटा नहीं सकते थे, कर सकते हैं? तो अभी हम क्या करें, इसको हटा दें, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन केस ऑफ परसेंटेज एबंडेंस एवरेज मोलर मास की वैल्यू क्या होगी, एम वन ए प्लस एम टू बी प्लस एम थ्री सी। यहाँ तीन है इसलिए हमने तीन लिखा, दो होते तो एम वन ए प्लस एम टू बी लिखते, चार होता तो एम वन ए प्लस एम टू बी प्लस एम थ्री सी प्लस एम फोर डी लिख देते। अब क्या करिए, इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेशन में क्वेश्चन के लिए दी गई हैं। ये देखिए, दिस इज द मोलर मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, दिस इज ए परसेंटेज एबंडेंस इतना परसेंट है, एम टू बी इतना दिया है, बी हाँ परसेंटेज एबंडेंस कितना परसेंट है वो 0.063%, फिर एम थ्री ये उसका मोलर मास और उसका परसेंटेज कितना है 99.6%। ध्यान रहे आपको ये वैल्यू रटनी नहीं है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको इनका कैलकुलेट करने आना चाहिए। अब क्या करेंगे आप, ये जो परसेंटेज है इनको हटाएंगे, अपॉन 100 लगा देंगे सब में, फिर इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, दैट विल बी 39.94 ग्राम पर मोल। अच्छा ग्राम पर मोल क्यों लग रहा है, मोलर मास तो किस में आना चाहिए, ग्राम में, फिर ये ग्राम पर मोल क्यों। एक्चुअली हमने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब भी आप मोलर मास लिखेंगे तो अपने कॉम्प्लिकेशंस को कम रखने के लिए हम किसी का, मान लीजिए सोडियम का मोलर मास लिखे तो हम लिखते 23 ग्राम। एक्चुअली ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ग्राम, सॉरी दिस इज द मास ऑफ 1 मोल सोडियम, इसीलिए इसका एक्चुअल यूनिट क्या होता है 23 ग्राम पर मोल, आपको पहले भी बताई गई थी, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए हमेशा क्या लिखेंगे उसको 23 ग्राम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, पहला है हमारे पास 52 मोल्स ऑफ हीलियम, सही है, बताइए 52 मोल्स का मतलब 52 Na की वैल्यू 6.022 × 10^23 वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल था, आपको Na मोल्स दिया था, मोल्स को आप क्या बना दिए Na, और Na की वैल्यू आपको पता है, रख के इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, 52 U ऑफ हीलियम, ध्यान रहे ये क्या है, U बोले तो यूनिफाइड मास, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा हीलियम किस में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में, एटम्स में ना, तो आप चाहें तो लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला वही रहेगा, वहाँ पर क्या था मास अपॉन मोलर मास, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मास अपॉन एटॉमिक मास। तो जो मास है वो यूनिट किस में रहेगी, यू में, कितना दिया है 52 U अपॉन एटॉमिक मास में भी क्या रहेगा 4 U, कैलकुलेट कर देंगे क्या आ गया 13, तो यही आ गया इसका आंसर। ध्यान रहे ये नंबर डायरेक्ट हमें क्या दे रहे हैं, एटम्स का नंबर, लेकिन अगर ये ग्राम में दिया होता तो आपको पहले क्या मिलता, नंबर ऑफ मोल्स, फिर मोल्स को अब क्या बनाते हैं, एटम्स में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, 52 ग्राम, अब बताइए 52 ग्राम अगर ये ग्राम में दिया है तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स विल बी गिवन मास 52 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हीलियम यानी कि 4 ग्राम,
डिवाइड करेंगे क्या आएगा 13 मोल्स। मोल्स का मतलब एन ए, 13 मोल्स का मतलब 13 एन ए, और एन ए की वैल्यू आप रख के सॉल्व कर देंगे आपको वैल्यू आपकी मिल जाएगी। सॉल्यूशन वगैरह सब दिया हुआ है, अब आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, एक कोई गैस है वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है, वो कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ध्यान रहे उसने पहले ही कह दिया, अगर ऑर्गेनिक कहता तो हमें एक बार के लिए सोचना पड़ता है कि उसमें ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन अभी हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने साफ साफ कह रखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके साथ साथ वनली भी लगा रखा है, इसके सिवाय कुछ और उसमें नहीं है। और देखिए आगे क्या कर रहा है, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ 18 ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप छोटा सा सैंपल जलाते हैं जो गैस है उसके छोटी सी अमाउंट को अगर आप जलाते हैं तो आपको 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 0.690 ग्राम ऑफ H2O किस फॉर्म में मिल रहा होगा, गैसियस फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में मिल रहा होगा, इतना ग्राम ये मिल रहा है, एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ कोई और प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो ठीक है हमें पहले इनसे कुछ कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए रिलेशन लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन, या फिर हम ऐसे कह लें कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए रिलेशन यही है, इक्वेशन यही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर मोलर मास लिखें तो देखिए कितना आएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी कि 16 × 32 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। अब देखिए कार्बन के एक एटम का मास कितना आएगा, 12 ग्राम, यानी कि एक चीज़ हमें पता चल गई कि जब मेरे पास 12 ग्राम कार्बन होगा, कितना 12 ग्राम कार्बन होगा तो मुझे 44 ग्राम CO2 मिलेगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मुझे 44 ग्राम CO2 चाहिए तो उसके लिए मुझे 12 ग्राम कार्बन जलाना पड़ेगा, यानी कि अगर मुझे 44 ग्राम CO2 चाहिए तो उसके लिए मुझे 12 ग्राम कार्बन जलाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, 1 ग्राम के लिए निकालेंगे। तो देखिए 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें पाना है तो उसके लिए मुझे कितना ग्राम कार्बन जलाना पड़ेगा, कर सकते हैं ना, इस नंबर को उधर लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन में कुछ और ही वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है वो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो ठीक है हम इस वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे कि हमें 3.38 कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलेगा। ये देखिए 1 से 3.38 बढ़ रहा है, यानी कि इस नंबर में हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, सॉल्व करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिलेगी, यानी कि जब हम मेरे पास इतना ग्राम, ये लगभग 1 ग्राम से थोड़ी बहुत कम है बट जो भी है, 10.14/11 ग्राम कार्बन जब आप जलाएंगे तो आपको 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। यानी से आपको यहाँ से क्या पता चल गया, उसमें कार्बन कितना जलाया गया होगा, इतना। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, हाँ अब हम हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे। तो चलिए हाइड्रोजन का रिलेशन देखिए कितना बनेगा, अब देखिए जब हम वाटर का रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H2O gives us H2 plus O2, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 करना होगा और यहाँ भी हमें 2 करना होगा ना। चलिए अब इसका रिलेशन देखिए बनाइए, वाटर के दो मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 18 × 36, अगर हम मोलर मास की बात करें तो ये हो जाएगा टोटल 36 ग्राम, इसका मास कितना आएगा 4 ग्राम। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं जब 36 ग्राम वाटर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा, या फिर अगर आप इसको डिवाइड कर देते क्या हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करें तो कितना बन जाएगा 18 और वो हो जाएगा 2। आप चाहें तो ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं या फिर आप अभी जो रिलेशन बनाए हैं आप उसी को यूज कर लीजिए, आपको जो सही लगे वो कर लीजिए, ये आपके पास सॉल्व पूरा है, आप एक इसे ट्राई कर सकते हैं। दूसरा हम आपको और एक बता देते हैं जो अभी रिलेशन बना था,
वहाँ से हमने देखा था कि अगर मुझे 30 ग्राम वाटर चाहिए तो मुझे 4 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना। तो देखिए अब 36 ग्राम, यहाँ से हम क्या करेंगे 1 ग्राम वाटर की बात करेंगे, यानी कि मुझे अगर 1 ग्राम वाटर चाहिए उसके लिए 4 अपॉन ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी 36, तो सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/9 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि कितना हाइड्रोजन मिल रहा है, कितना वाटर मिल रहा है, दैट इज 0.690 ग्राम। तो बताइए अगर मुझे 0.6690 ग्राम वाटर चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1/9 इंटू 0.690 ग्राम क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। इसको देखिए डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63 एंड इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, 63 × 6 = 60 9 × 6 = 54 हाँ, यानी कि 0.7612 आ जाएगा, यानी 0.76 ग्राम के आसपास आएगा। ये देखिए यहाँ से जब आप सॉल्व किए होंगे तो देखिए आपको भी वही चीज़ मिली है, देखिए ये वैल्यू आपको डेसिमल में मिली है, सॉरी हाँ फ्रैक्शन में है ना, अगर आप इसको डेसिमल में बनाना चाहें तो देखिए क्या करेंगे आप, 0.3 से डिवाइड करेंगे 23, 7 times फिर 220 76, वही मिलेगा आपको 0.766 ग्राम। अब चाहे यहाँ से ये रिलेशन यूज कर लीजिए या फिर जो पीछे आपको समझ में आया आप वो यूज करिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अगर सही है तब किसी भी तरीके से करिए आपका आंसर सेम सेम मिलता है। अब देखिए हमें क्या क्या मालूम चल गया, मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन मिल गया और ऊपर मुझे मास ऑफ कार्बन मिल गया, मिल गया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, टोटल मास निकाल लेंगे, किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। देखिए कार्बन का टोटल मास इतना आया था 10.14/11, हाइड्रोजन का भी ये आया 0.23/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.9218 और ये वैल्यू आएगी 0.07। अच्छा सॉरी, इधर हमको लग रहा है किधर गया, हाँ ये वैल्यू आप करेक्शन कर लेंगे ना, ये 0.07 होगा, 0.0766। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, फिर इनको ऐड कर दिया, ये मुझे क्या मिल गया, टोटल मास, मास ऑफ द सैंपल, उस सैंपल में इतना कार्बन है इतना हाइड्रोजन, यानी कि टोटल मास ये है। क्या हम यहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं क्या, हाँ अगर हम परसेंटेज निकाल लें फिर वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मोल रेशियो, और मोल रेशियो निकल गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम यहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं, पहला परसेंटेज ऑफ कार्बन ही निकाल लेते हैं। तो देखिए कार्बन का मास कितना है, 0.9218 अपॉन नीचे कौन से मास लिखते हैं, टोटल मास, यानी कि 0.9985, क्योंकि आप परसेंटेज कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई बाई 100 सॉल्व कर देंगे। वैसे ही जब हम परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर, मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ये वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हैं। तो चलिए जब आप परसेंटेज मास ऑफ कार्बन निकालेंगे तो ये रहा कार्बन का मास, ये रहा टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर देंगे तो आपको वैल्यू आएगी 92.32%। उसी तरह से जब आप परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो देखिए ये रहा आपका हाइड्रोजन का मास, ये रहा आपका टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा 7.68%। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको वैल्यूज परसेंटेज में पता है तो आप मान लेंगे कि आपका सैंपल कितना है 100 ग्राम, और ये जो कंपाउंड बना है वो दो चीज़ों से, क्योंकि वो पूरी गैस में साफ साफ कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन कितना आपका 92.32% और हाइड्रोजन कितना है 7.68%, और ऐड भी करेंगे तो देखिए 100% बन जाएगा ना। अब हम क्या करें, इसको ग्राम बना लेंगे तो मास हमारा आ जाएगा कितना, 92.32 ग्राम, और ये परसेंटेज वाले वैल्यू ऐड की किस में आ जाएगी, ग्राम में, 7.68 ग्राम। अगर हमें मास मिल गया तो क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए मोल्स कैसे निकालेंगे,
गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो 92.32 डिवाइडेड बाय 12 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखिए आपको मिलेगी 7.69। अभी आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, ये मिल गया 7.69। ऐसे ही 7.68 ग्राम को हाइड्रोजन के मोलर मास से, हाइड्रोजन के मोलर मास कितना, हाँ 1। ध्यान रहे आप हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, यानी कि एक एटम की बात करते हैं, तो उस केस में हम उसकी एक एटम की ही मास लेते हैं, ना कि पूरे मॉलिक्यूल का। वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम तो सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हमें थोड़ी पता कि उसमें दो है कि तीन है कि चार है, वो तो हमें कैलकुलेट करना है ना। तो हम सिर्फ एक एटम की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 डिवाइड करेंगे आपको मोल्स मिल जाएगा 7.68। ये नंबर अभी आप इग्नोर करेंगे। अभी आपको पता चल गया कि आपके मोल्स रेशियो मिल गए कितना, एक आया 7.69, दूसरा आया 7.68। जब भी आपको मोल रेशियो ऐसे मिलते हैं, उसको सिंपल रेशियो बनाया करिए। उसके लिए क्या करना होता है, जो दोनों में से छोटे नंबर हो उस छोटे नंबर सबको डिवाइड कर दीजिए। ये छोटा नंबर है ना, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही इसको भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगी 1.0013। ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू इतनी छोटी है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और सोचिए 1.0013, ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो हम ये सब वैल्यू को इग्नोर करेंगे और सिर्फ क्या लिख लेंगे 1। तो क्या रेशियो मिल गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 है, यानी हमें रेशियो मिल गया 1:1, यानी कि उसमें कार्बन भी एक एटम और हाइड्रोजन भी एक एटम। तो बता दीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, हाँ कार्बन का मोल्स यानी कि 1, हाइड्रोजन का मोल्स यानी कि 1, यानी कि ये बन गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, दिस इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। ध्यान रहे इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार देता हूँ, कितना 3 स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना छोटा आपको देखने में है, एक्चुअली उससे ज़्यादा इसमें कहीं कॉन्सेप्ट्स आपके लगने वाले हैं। तो आप इसको मेरे कहने के बावजूद घर पे एक बार दो बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। आसान है, लेकिन कई बार आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ें तो देखिए, मास ऑफ 10 लीटर गैस एट STP इज 11.6 ग्राम गिवन। आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, देखिए यहाँ पर है ना, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वे 11.6 ग्राम, यानी कि जब हमने 10 लीटर इस गैस को माप किया था, यानी मेजर किया स्केल पे, वेइंग स्केल पे, तो मुझे कितना मिला 11.6 ग्राम। तब हम क्या करेंगे, इसका मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर STP पे, हाँ जब हम 1 ATM लेते हैं तब 22.4, जब हम 1 बार लेते हैं तो 22.7। तो अभी कुछ नहीं दिया है तो हम 1 ATM ही लेके चलते हैं 22.4 पर। तो देखिए यहाँ से हमें 1 लीटर गैस की वैल्यू मिल जाएगी, 10 लीटर का 11.6 है, तो 1 लीटर के लिए क्या करना होगा, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मुझे तो STP पे चाहिए, यानी कि 22.4 लीटर पे, तो एट STP यानी कि 22.4 लीटर गैस के लिए क्या करना होगा, इसमें 22.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। अब बताइए जब आप STP पे बात करते हैं तो आपको वॉल्यूम कौन सी मिलती है, मोलर वॉल्यूम, और उस टाइम पे जो मास आती है वो भी क्या होती है, मोलर मास। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 25.984 ग्राम। ये STP पे है, हाँ यानी कि इस केस में ये जो मास आ रही है वो कौन सी मास होगी, मोलर मास। ध्यान रखना आपको हमेशा STP पे जो मास आप निकालते हैं वो मास क्या होती है, उसकी मोलर मास। तो ये देखिए 25.984 अगर हम इसको राउंड अप करें तो लगभग कितना बन जाएगा, 26 ग्राम बन जाएगा कि नहीं, ये देखिए ध्यान से, ये ऑलमोस्ट सिमिलर का सिंबल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर हम इसको 26 ग्राम मान सकते हैं। तो चलिए मुझे मोलर मास मिल गया, अब हमें ये बताइए
कि मुझे मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना होता है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना पड़ता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे पहले से ही पता है कितना आया है CH। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, n। n कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मोलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया था, 26 ग्राम। देखिए किधर चला गया, आया ना 26 ग्राम। अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास चाहिए, तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, सी एच। देखिए कार्बन का एक एटम का मास 12, हाइड्रोजन का भी 1, यानी कि टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा, 13। तो आप यहाँ पे 13 लिख के डिवाइड करेंगे, क्या मिल गया आपको, 2 मिल जाएगा ना, 2। तो बस इस 2 उड़ा के यहाँ रख दीजिए, एन की वैल्यू 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला है आपका सी एच। बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H2। कार्बन का एक एटम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 एटम हो जाएंगे, हाइड्रोजन का एक एटम मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 2 एटम हो जाएंगे, यानी कि आपका कंपाउंड बन जाएगा C2H2। ये देखिए आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला रेडी हो गया, दैट इज C2H2। ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था ना, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव्स CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन आपको सामने दी गई है, इस रिएक्शन के बेसिस पे आपको इतने प्रोडक्ट्स बनते हैं। चलिए देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, चलिए हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद रिएक्ट कम्प्लीटली। हाँ कम्प्लीटली यानी कि परसेंटेज इल का कोई चक्कर नहीं है, हाँ वो पूरा का पूरा 100% है, विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रिएक्शन क्या दिया है, ये रिएक्शन है, वो ये नहीं बताया कि ये कितना मास है, वो कह रहा है बताइए ये कितना चाहिए हमें रिएक्शन कराने के लिए। अब हमें ये बताइए अगर मुझे इसकी मास निकालनी है तो उसके लिए इसकी मास मुझे पता होना चाहिए, तभी तो हम रिलेशन बनाएंगे। चलिए इसका देखिए मास कितना आएगा, 100 ग्राम। इसका मास अगर आप निकालें तो 36.573 ग्राम आ जाएगा मोलर मास। यानी कि एक चीज़ क्लियर है, मुझे 73 ग्राम HCl की ज़रूरत पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए, किसके साथ, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पड़ेगी ना। तो भैया ये 1 ग्राम HCl का रिएक्शन कराने के लिए मुझे कितना चाहिए, 100/73 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो डिटेल्स कुछ मोलैरिटी और वॉल्यूम में दिया हुआ है, देखिए कितना दिया है, ये दिया है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो अब आप क्या करिए, इसके साथ ही आपको मोलैरिटी दिया है 0.75 और आपको वॉल्यूम कितना दिया है 25 ml। बताइए फॉर्मूला मोलैरिटी का कौन सा लगाएंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट वाला, इट मीन्स W2 इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है क्या आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो देखिए हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5 यानी कि हो जाएगा 36.5 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर यानी कि 25। इसको आप चाहें तो सॉल्व करिए, देखिए 25 × 4 = 100 ये हो जाएगा 40 टाइम्स, डेसिमल घटा देंगे ये बन जाएगा 400। इसको और सॉल्व करिए तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा 80, ये हो जाएगा 5773। यानी कि हमें क्या मिल गया, अच्छा ये वैल्यू भी तो हमें दिया था ना 0.75, नहीं मोलैरिटी दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मोलैरिटी की वैल्यू रख लेते हैं, 0.75 = वहाँ क्या बचा,
80 × W2 अपॉन नीचे क्या बचा 73। अब हम इसको हटा देते हैं। अब क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 80 × W2 इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 73। और जब आप W2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 73 अपॉन 80 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। खैर चलिए करते हैं, डेसिमल को हटा दीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 00। 8 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 72 और कितना बचा, 330 यानी कि 8 × 3 = 24 6 × 60 8 × 7 = 66 8 × 7 = 56 8 × 5 = 40 ये मिल गया 9.375 इंटू 73 कर दीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, 9.375 मल्टीप्लाइड बाई 73 इज इक्वल टू 684 डिवाइडेड बाई कितना नीचे 1000 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 0.684 ग्राम। कितना, लगभग 0.684 ग्राम। तो बस इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख लीजिए, हमें किसके लिए चाहिए, 0.684 ग्राम के लिए चाहिए। तो क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 × 0.864 अपॉन 73 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86.4 अपॉन 73। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना, 86.4 डिवाइडेड बाई 73 दैट इज इक्वल टू 1.18 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1.8 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हमें इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन वगैरह सब आपको दिया हुआ है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तरीका मैंने समझा दिया, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 0.94 क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है 0.684 ग्राम ये तो सही है। वैल्यू कितनी आई थी सॉल्व करने के बाद, ये आई थी ना वैल्यू 0.684 ग्राम, जैसे पीछे वाला पेज है तो 0.864 सॉरी ये तो 684 आया है ना, देखिए यहाँ पे हमने गलत रख दिया वैल्यू, आप इसको सही कर लेंगे, 0.684 है और मैंने यहाँ पर ये वैल्यू गलत रख दी है, इसलिए ये आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। खैर आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको तो तरीका से मतलब है, सॉल्यूशन तो आपको कहाँ दिया हुआ है, आपके पीडीएफ फॉर्म में सारा आपको सॉल्यूशन तो मिल ही गया होगा, कर सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है लास्ट, हाँ ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्या है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। हमें रिएक्शन वगैरह सब दिया हुआ, देखिए ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, ठीक है। अगर मुझे इससे 5 ग्राम का रिएक्शन कराना है HCl का, तो मुझे HCl का कितना मास चाहिए, सिंपल है, पहले आप नॉर्मल रिलेशन की वैल्यू रखिए मोलर मास में, 4 HCl का मास कितना आ जाएगा, देखिए 36.573 146 आ जाएगा, यानी कि ये तो हो गया आपका 146 ग्राम। ये 146 ग्राम चाहिए जब ये MnO2 कितना होगा, ये देखिए मैग्नीज का होता है 55 और ऑक्सीजन का 32 यानी कि 87 पक्का ना, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, अब मुझे 87 ग्राम MnO2 की ज़रूरत पड़ती है, कितना HCl के लिए, 146 ग्राम HCl के लिए। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किससे,
146 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो पहले हम यहाँ से 1 ग्राम के लिए निकाल लें, 1 ग्राम MnO2 कैसे रेट करेगा, 146 ग्राम अपॉन 87 ग्राम HCl, इतना जरूरत पड़ेगी। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 ग्राम MnO2 का रिएक्शन कराना है तो उसके लिए कितना HCl चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 146 इंटू 5 अपॉन 87 ग्राम HCl। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 5 6 30, 5 4 20, 23, 5 5 7, 730 अपॉन 87, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी 730 डिवाइडेड बाई 87 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8.39, यानी आपका आंसर लगभग कितना आ जाएगा, 8.39 ग्राम HCl आ जाएगा, या आप 8.40 ग्राम या 8.4 ग्राम भी लिख सकते हैं, इसको राउंड अप करके आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है। हाँ, 8.39 ग्राम HCl, जिसको आप चाहें तो 8.4 ग्राम HCl राउंड अप करके लिख सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और कुछ बचा लग गया क्या? अच्छा, ये समरी पेज लगा हुआ है, समरी तो आप लोग कर ही लेंगे, हो भी गया होगा, आप ये सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वो ज़रूरी है। ठीक है, आज इस तरह से चैप्टर फिनिश हो गया। अब अगले लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक पहले इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी। आप ही लोगों के बीच से कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने खुद एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी क्या, ज़्यादा ही मेहनत की है और उसने वीडियो बनाया है, अभी हम उस बच्चे की लिंक अपने, जैसे मेरा वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा उसी के आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको क्लिक करें, उसके चैनल को जाके एक बार चेक करें, और कुछ नहीं अगर आपको ज़्यादा अच्छा नहीं भी लगता है तो भी उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, सिर्फ ये सोच के कि वो जो बनाया हुआ बच्चा है वो आप ही लोगों के बीच का बच्चा है, यानी कि वो एज ए स्टूडेंट अभी वो पढ़ रहा है फिर भी इतनी मेहनत करके आपके लिए वो वीडियो बनाया, तो आप ये मत देखिएगा उसका कंटेंट आपको कितना अच्छा लगा या नहीं लगा, अच्छा लगा था तो पक्का लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही है, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाके जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि भले से उसका कंटेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसकी मेहनत तो बहुत लगी ना, तो उसको उसके मेहनत का फल मिलना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, टिल दैट थैंक यू सो मच।